तो देखो स्टूडेंट्स, अब बारी आ गई कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाए। आपको आज दो ट्रिक के बारे में बताऊंगा, दो ट्रिक। एक ट्रिक तो आप पहले से जानते होंगे और एक ट्रिक शायद आप जानते भी होंगे, नहीं भी जानते होंगे। लेकिन सेकंड ट्रिक तभी लगाना है जब हमारा जो इक्वेशन है आपसे बन ही नहीं रहा हो और आप हार मान चुके हो, तब वो सेकेंड ट्रिक का इस्तेमाल करना। तो जी हाँ, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला तो बहुत ईजी है ना। और देखिए क्या यहाँ पर, देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ H2 है, इधर एक, इधर दो हाइड्रोजन है, इधर दो हाइड्रोजन है, यहाँ पर ये बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस है। ऑक्सीजन देखिए इधर दो है और इधर एक ही है। अगर यहाँ पर मैं दो लगा दूंगा तो ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा, बहुत बढ़िया। लेकिन हाइड्रोजन गड़बड़ा गया, क्या 2 2 4 हाइड्रोजन हो गया, तो इधर भी 2 लिख दीजिएगा तो हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा, काम खत्म, ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। अगला देखिए, एक है पोटासियम क्लोरेट यानी KClO3, तो इधर पोटासियम एक है, इधर एक है, चलो बढ़िया है। कैल्शियम इधर एक है और इधर भी कैल्शियम नहीं, क्लोरीन एक है, इधर भी एक है। ऑक्सीजन 3 है और इधर कितना है, 2 ही है। तो अगर आप 3 यहाँ पर पुट करोगे तो ऑक्सीजन थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इधर 3 2 6 है ऑक्सीजन और इधर 3 ही है। तो यहाँ पर इस ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए अगर हम यहाँ पर 2 लिख दें तो बढ़िया रहेगा, तो यहाँ पर ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। देखिए 3 2 6 और इधर भी 3 2 6, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया लेकिन और सब कुछ गड़बड़ा गया। कैसे, तो हमने यहाँ पे 2 डाला तो पोटासियम 2 हो गया और क्लोरीन भी 2 हो गया। तो अगर यहाँ पर पोटासियम और क्लोरीन के जगह पे यहाँ पर मैं 2 डाल दूँ तो ये भी बैलेंस हो जाएगा, बहुत बढ़िया, शानदार, मज़ा आ रहा है, बहुत बढ़िया। अब इधर देखिए, CO2 + H2O इट गिव्स C6H12O6 और O2। देखो भाई, C6H12O6 ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला होता है, क्या, C6H12O6 ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला होता है। देखो यहाँ पे ध्यान से, देखो यहाँ कार्बन कितने हैं, 6 कार्बन है, इधर कितना है, एक ही कार्बन है। तो अगर यहाँ पर आप 6 लगा दोगे तो कार्बन बैलेंस हो जाएगा, बहुत बढ़िया सर। हाँ, हाइड्रोजन आप देखो, इधर हाइड्रोजन 12 है, इधर कितना हाइड्रोजन है, इधर तो 2 ही हाइड्रोजन है। तो अगर आप 6 लिख दोगे तो यह हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा, 6 2 12 बैलेंस हो गया। अब देखो इधर ऑक्सीजन कितना है, 6 ऑक्सीजन इधर है और 2 ऑक्सीजन इधर है, 8 ही ऑक्सीजन है। लेकिन इधर आप देखो कितना ऑक्सीजन है, 6 2 12 और 12 6 12 6 18 18 यहाँ पर क्या आपको दिख रहे हैं, 18 यहाँ पर आपको ऑक्सीजन दिख रहा है। और अगर आप यहाँ पर भी 6 लगा दो तो 12 इधर और 6 12 6 18 हो गए। अब तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। ये जो है ना, ये कब का रिएक्शन है पता है, जब फूड, जो जब हमारा जो प्लांट है वो फूड प्रिपेयर करता है तो उस समय का ये केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, बहुत बढ़िया। और ये जो केमिकल रिएक्शन है, इस केमिकल रिएक्शन में क्या होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, सनलाइट जो एनर्जी के फॉर्म में एब्जॉर्ब होती है। तो ये हमारा जो फोटोसिंथेसिस है, यह एक इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। चलो आगे देखते हैं, HNO3 + CaOH का होल ट्वाइस इट गिव CaNO3 CaNO3 का होल ट्वाइस + H2O। आपने 3 जो इक्वेशन बैलेंस किया है वो हीट एंड ट्रायल मेथड से किया है। अब मैं आपको एक और मेथड बताता हूँ, बहुत मस्त मेथड है, वो है मेटल नॉन मेटल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। यह एक मेथड है, बहुत अच्छा मेथड है, देखिए कैसे इससे बड़ा से बड़ा केमिकल इक्वेशन को आप बैलेंस कर सकते हैं। जो आपका हीट एंड ट्रायल मेथड नहीं कर सकता वो आपको ये वाला ट्रिक आपको करके देगा। देखो क्या है, इस ये वाले ट्रिक से हम आपको इक्वेशन 4 को बैलेंस करके दिखाते हैं। देखो कैसे, तो देखो पहले मेटल नॉन मेटल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर मेटल तो आपको पता होगा क्या होता है, मेटल मेटल होता है, आयरन मेटल होता है, मैग्नीज मेटल होता है ना, सोडियम मेटल होता है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ठीक है, इस तरह का जो मेटल होता है वो मेटल कैटेगरी में आएगा। नॉन मेटल में तो आपको पता है नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन होता है, उसके साथ साथ कार्बन, ठीक है, इस तरह से सल्फर वगैरह, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। और यहाँ पर समझो, तो कहने का मतलब इक्वेशन में अगर मेटल रहे तो सबसे पहले आप मेटल को बैलेंस करके आइए। ठीक है, इक्वेशन में अगर आपको मेटल दिख रहे हैं तो सबसे पहले मेटल को बैलेंस करें, है ना, समझ में आ रही है बातें, दिमाग में घुस रही है, हाँ। और अगर मेटल बैलेंस हो जाए तो नॉन मेटल को बैलेंस कीजिए। मेटल अगर बैलेंस हो चुका है, मेटल बैलेंस हो गया, तब नॉन मेटल को बैलेंस कीजिए। नॉन मेटल बैलेंस हो गया, अच्छा नॉन मेटल बैलेंस हो गया तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस कीजिए। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर हमको आप क्या समझ रहे हैं,
हमको मतलब आप बुद्धू समझते हैं सर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी तो नॉन मेटल होता है, लेकिन बाबू समझो मेरे प्यारे बच्चों, आई नो दैट कि ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इज ऑल्सो नॉन मेटल, बट आपको नॉन मेटल में वही नॉन मेटल को बैलेंस करना है जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर होगा, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बाद में बैलेंस करना है। ये छोटा सा ट्रिक याद रखिएगा, नॉन मेटल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर आपको बैलेंस करना है, ठीक है? उसके बाद नॉन मेटल बैलेंस हो जाए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर, फिर बोल रहा हूँ, फिर तब नॉन मेटल बैलेंस हो जाए तो ऑक्सीजन को बैलेंस कीजिए, तब हाइड्रोजन को बैलेंस कीजिए। इतना अगर आपको पता है तो देखो आप कैसे बनाते हैं। तो ये वाला इक्वेशन में सबसे पहले आप खोजो कि मेटल है, अगर मेटल है तो सबसे पहले मेटल को बैलेंस कीजिए। तो देखो भाई मेटल है, हाँ ये कैल्शियम मेटल है और कोई दूसरा मेटल नहीं है, तो इधर कैल्शियम एक है और इधर कैल्शियम एक है, तो मेटल एक है, यानी मेटल पहले से बैलेंस है तो कोई बात ही नहीं है, मेटल बैलेंस है तो फिर नॉन मेटल के पास आइए। नॉन मेटल देखिए, नॉन मेटल में भी क्या, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर नॉन मेटल लेना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर। तो देखो भाई ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर तीन ऑक्सीजन का लेना ही नहीं है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर कोई नॉन मेटल है? हाँ एक नाइट्रोजन है और इधर तो नहीं है, यानी एक ही ऐसा नॉन मेटल है जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर है, और इधर नाइट्रोजन एक है और इधर नाइट्रोजन दो है। क्या देखिए बच्चों ध्यान से, ये NO3 का होल ट्वाइस है, तो कहने का मतलब होल ट्वाइस कहने का मतलब नाइट्रोजन भी दो होगा, और होल ट्वाइस कहने का मतलब इधर ऑक्सीजन तीन है तो इससे गुना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, तो ऑक्सीजन छः है और नाइट्रोजन दो है, ठीक है? तो भाई नाइट्रोजन तो अनबैलेंस्ड है, तो इधर एक ही है और इधर दो नाइट्रोजन है, तो दो नाइट्रोजन में लगा दिया, तो अगर दो लगा दिए तो नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया ना, नाइट्रोजन में तो कोई दिक्कत नहीं हुई। चलो तो नॉन मेटल का बैलेंस हो गया, तो फिर ऑक्सीजन के पास आओ, ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन देखो 3, 2, 6 ऑक्सीजन इधर है और 6 और 2 देखो होल ट्वाइस है, कहने का मतलब ऑक्सीजन भी दो है और हाइड्रोजन भी दो है। देखो बच्चों ये वीडियो में थोड़ा ज़्यादा टाइम ले सकता है, ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन इन्फॉर्मेशन आपको पूरा मिलेगा, समझ के जाओगे, ठीक है? 10 मिनट अगर एक्स्ट्रा ही पढ़ा दिया तो कोई बात नहीं है, लेकिन समझ में तो आएगा सारा बात। हाँ तो इधर 3, 2, 6 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन इधर है, तो 8 ऑक्सीजन हो गया। इधर देखो कितना ऑक्सीजन है, 3, 2, 6 और 1, 7 ऑक्सीजन ही है, तो अगर मैं यहाँ पर 2 लगा दूंगा तो क्या ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा? डेफिनेटली हो जाएगा। इधर 3, 2, 6 ऑक्सीजन इधर और 2 लगाने से 2 ऑक्सीजन इधर हो गया, 8 ऑक्सीजन हो गए, ऑक्सीजन भी सर बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन में भी कोई दिक्कत नहीं आया। अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया तो लास्ट में हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, आओ हाइड्रोजन को देखते हैं। इधर 2 हाइड्रोजन और इधर 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन इधर है, और देखो सर 2, 2, 4 हाइड्रोजन इधर हो गया है, यानी ये इक्वेशन बहुत ईजिली बैलेंस्ड हो गया है। कोई प्रॉब्लम आया क्या? नहीं आया ना, कितना मस्त ट्रिक है। इस ट्रिक से आपको ना काटना भी नहीं पड़ेगा, जैसे यहाँ पे 2 लिख देते हो, हाँ 2 नहीं हुआ तो 3 लिख दो भाई, 3 नहीं हुआ तो 4 लिख के देखो, ऐसा करना नहीं पड़ेगा। तो हीट एंड ट्रायल मेथड पर ये डोमिनेट करता है, ठीक है? समझ में आया? हीट एंड ट्रायल मेथड जो हमारा बैलेंस्ड मतलब किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने का एक मेथड है, उस पर ये ट्रिक डोमिनेट करता है, ठीक है? इसमें आपको मिटाना ही नहीं पड़ेगा लिख के, ठीक है? बहुत बढ़िया। जैसे इसको भी आप बैलेंस करो इसी ट्रिक से, तो मेटल सबसे पहले बैलेंस करना है, तो मेटल क्या है इसमें, बेरियम एक मेटल है और तो कोई मेटल नहीं दिख रहा, तो इधर एक बेरियम इधर भी एक बेरियम, कोई दिक्कत नहीं है। नॉन मेटल को बैलेंस करो, फिर आके नॉन मेटल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर ऐसा नॉन मेटल है, दिख रहा है आपको? हाँ एक क्लोरीन दिख रहा है और एक सल्फर दिख रहा है और कोई नहीं दिख रहा, तो किसी को एक को बैलेंस कर लो पहले। इधर 2 क्लोरीन है, इधर एक ही क्लोरीन है, तो मैं यहाँ पर 2 लगाऊंगा तो क्लोरीन बैलेंस हो जाएगा। एक और नॉन मेटल है जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर है, वो है सल्फर, इधर एक सल्फर है इधर एक सल्फर है, ये बैलेंस है। चलो नॉन मेटल जब बैलेंस हो जाए, फिर ऑक्सीजन के पास आओ, ऑक्सीजन देखो इधर 4 ऑक्सीजन इधर है, 4 ऑक्सीजन इधर है, बढ़िया है सर बैलेंस है। हाइड्रोजन के पास आओ, 2 हाइड्रोजन इधर है और 2 हाइड्रोजन इधर है, वो भाई कितना ईजी ट्रिक है भाई, कितना मतलब मस्त है, मज़ा आ रहा है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, एकदम चुटकियों में बन रहा है, ठीक है? आपको मिटा मिटा के इधर लिखना भी नहीं पड़ेगा, बहुत ईजी ट्रिक है। अगला देखिए, AlOH का होल थ्राइस, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है? और ये बन रहा है Al2O3 और H2O में। अब उसी तरीके से बैलेंस कीजिए, मेटल कौन है भाई? मेटल देखो भाई एल्युमिनियम है,
और इधर एल्युमिनियम है, तो चलो एल्युमिनियम है एक ही मेटल है और तो कोई नहीं है, तो एल्युमिनियम इधर एक है इधर दो है, तो इधर अगर आप दो लगा दोगे तो एल्युमिनियम बैलेंस हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो मेटल बैलेंस हो गया। फिर नॉन मेटल के पास आइए, नॉन मेटल में भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर कोई ऐसा नॉन मेटल है नहीं है, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर कोई ऐसा नॉन मेटल नहीं है, तो नॉन मेटल को छोड़कर ऑक्सीजन के पास जाएंगे। ऑक्सीजन देखो इधर होल थ्राइस है, देखो होल थ्राइस का कहने का मतलब ऑक्सीजन भी इधर थ्री है और हाइड्रोजन भी इधर थ्री है, ठीक है समझ में आ रहा है, तो होल थ्राइस, और यहाँ पर टू लगने की वजह से, यहाँ पर टू लगने की वजह से इससे गुना भी हो जाएगा, क्या होगा इससे गुना भी हो जाएगा, तो ऑक्सीजन टू कर दो तो सिक्स और इधर भी टू कर दो तो सिक्स, यानी और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों छः छः है, तो इधर आप क्या करो, एक काम करो आप, पहले ऑक्सीजन को करना है तो पहले ऑक्सीजन को देखते हैं, तो इधर छः ऑक्सीजन है तो इधर अगर हम दो लगा देंगे तो ऑक्सीजन छः हो जाएगा, थ्री टू जा सिक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। फिर हाइड्रोजन के पास आइए, हाइड्रोजन को देखिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन या हाइड्रोजन इधर सिक्स ही है और इधर दो है, तो इधर का अगर आप थ्री लिख दोगे तो ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक चीज़ आपका थोड़ा मिस हो गया, गड़बड़ हो गया, वो हमारा मेटल है, मेटल को आप फिर से देखिए, मेटल थोड़ा अनबैलेंस लगेगा आपको, यहाँ पर देखो टू टू जा फोर है और इधर टू ही है, तो अगर यहाँ पर आप फोर लगा दो तो क्या ये सही होगा, फोर लगाने की वजह से हमारा क्या हुआ है, यहाँ पे देखो एल्युमिनियम जो है वो चार हो गया, इधर एल्युमिनियम चार ही है, अब देखो यहाँ पर और यहाँ पर कुछ बातें थोड़ी बिगड़ गई है, क्या बिगड़ गई है वो आप देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन थोड़ा गड़बड़ हो गया है, क्या ध्यान से देखो क्या है, हाइड्रोजन देखो कितना है, हाइड्रोजन है पहले से, पहले इधर थ्री था तो फोर थ्री जा ट्वेल्व हो गया, यानी इधर जो है समझो मेरी बातों को, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों ट्वेल्व हो गया, क्या हो गया ट्वेल्व ट्वेल्व हो गए, तो एक काम करते हैं अपना लोग, इधर देखो कितना है भाई, इधर ऑक्सीजन कितना है ध्यान से देखो, इधर थ्री टू जा सिक्स है और इधर तो 12 हो गया, ठीक है बहुत बढ़िया, और इधर देखो कितना है, ध्यान से देखो यहाँ पे एक मिनट, पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो 3 टू जा 6 और 3 9 ही है, तो एक काम मैं करता हूँ, और हाइड्रोजन कितने हो गए ध्यान से देखो, हाइड्रोजन कितने हो गए, हाइड्रोजन भी 12 हो गए, तो अगर मैं यहाँ पर 3 को हटाकर 6 लिख दूँ तो क्या सही रहेगा, 3 टू जा 6 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन देखो 6 टू जा 12, ये भी सही है, यानी एल्युमिनियम भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया और हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, एक बार और मैच करते हैं, एल्युमिनियम 4 है इधर भी एल्युमिनियम 4, ऑक्सीजन इधर 12 है, ऑक्सीजन 6 इधर और 6 इधर 12 हो गया, ऑक्सीजन हो गया, अब हाइड्रोजन को देखो 6 टू जा 12, ये भी बैलेंस हो गया। अच्छा और आपको इतना अगर आपको आ गया तो ये वाला इक्वेशन को बैलेंस करके देखिए, थोड़ा मैं पानी पी लेता हूँ, जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और इसको आप सॉल्व करके देखिए, देखिए आपसे होता है कि नहीं, ठीक है नहीं होगा तो मैं ही बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, चलो मैं पानी पी लेता हूँ, तब तक आप इसको सॉल्व करके बताओ, वीडियो पॉज करके, चलो भाई आई होप आप कर लिए होंगे, नहीं भी किए होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो C2H6 अगर ऑक्सीजन के साथ इसका कंबशन करवाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हम लोग को मिलता है, ठीक है इसको बैलेंस करते हैं बढ़िया से। अरे भाई हुआ नहीं हुआ, नहीं हुआ तो मैं बताता हूँ, देखो C2H6 है तो देखो इसको भी यही ट्रिक से करो, मेटल नॉन मेटल ऑक्सीजन हाइड्रोजन, और अगर आप हीट एंड ट्रायल मेथड से करते हो तो आपका दिमाग हैंग हो जाएगा और आपको तो अभी पता चल ही गया होगा। चलो तो मेटल इसमें है क्या, तो सर मेटल तो है नहीं, तो चलो कोई बात नहीं है, नॉन मेटल है क्या, हाँ नॉन मेटल में भी क्या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर, क्या ऐसा है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर, हाँ है, तो कार्बन है इधर एक कार्बन, दो कार्बन है इधर एक ही है, तो मैं यहाँ पर दो लगा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, चलो नॉन मेटल बैलेंस है, ऑक्सीजन के पास आओ, दो इधर और देखो इधर कितना है, टू टू जा फोर और फाइव, ओ भाई इधर फाइव है, क्या करूँ मैं, एक काम मैं करता हूँ अगर इसको 5/2 कर दूँ, अगर इसको हम 5/2 कर दूँ तो कोई दिक्कत होगा क्या,
और जैसे ही 5/2 जितना से इसको डिवाइड दिए हैं उतना से पूरे होल इक्वेशन को 2 से अगर गुना कर दें तो कोई दिक्कत होगा? चलो, जब जैसे ही हमने पूरे इक्वेशन को 2 से गुना कर दिए हैं तो यहाँ पर क्या हुआ, ध्यान से देखो, देखो ध्यान से, 5C2H6 प्लस, देखो 2 से 2 तो यहाँ कट जाएगा, 2 से 2 यहाँ कट जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 5O2 इट गिव्स 2 जब 4CO2 प्लस 2H2O। अब देखो क्या अब बैलेंस हो गया इक्वेशन, देखो कितना हुआ है, इधर ध्यान से देखो, ओके हाँ ध्यान से देखो, अगर 2 से गुना किए तो 5 नहीं हुआ भाई, अच्छा मैंने इसको अगर 2 से गुना किया तो 5 नहीं हुआ, 2C2 हुआ, सॉरी, वेरी सॉरी, 2C2। तो इधर कार्बन देखो 2 जा 4 है और इधर कार्बन 4 है, बहुत बढ़िया कार्बन बैलेंस है। आगे बढ़ो ऑक्सीजन को देखो, 5 जा 10 है ऑक्सीजन, और इधर देखो 4 जा 8 और इधर देखो 2 8 2 10, बैलेंस है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है। और लास्ट बच गया हाइड्रोजन, इधर देखो हाइड्रोजन बैलेंस है क्या, देखो इधर 6 जा 12 हाइड्रोजन है और इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 जा 4 ही है। तो एक छोटा सा बदलाव मैं करूँगा, अगर मैं यहाँ पे 6 लिख दूँ, अगर मैं यहाँ पे 6 लिख दूँ तो 6 जा 12 हो जाएगा ना, तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। लेकिन एक चीज़ गड़बड़ हो गया, वो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देखो इधर कितना हो गया, इधर देखो ध्यान से 4 जा 8 और 8 और एंड 6 8 6 14 हो गया। तो एक काम करते हैं, यहाँ से आराम से थोड़ा मिटा के 7 लगा देंगे, खत्म हो गया। देखो कार्बन इधर 2 जा 4, इधर भी 4, हाइड्रोजन 6 जा 12, इधर भी 6 जा 12, ऑक्सीजन 7 जा 14 और इधर भी 8, इधर 8 6 14 हो गया, ख़त्म हो गया। तो इस तरह से भाई किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं। आपके बुक में बहुत सारा क्वेश्चन होगा, आप बैलेंस करने का प्रैक्टिस कर लो, ठीक है? और आई होप ये जो है पूरा समझ आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है? जिसको नोट कर लीजिए, हम आगे चल रहे हैं, इसको नोट कीजिए।